अब इधर पीपीटी मिला। हाय फ्रेंड्स, पीपीटी मिला अभी नहीं रुक रहा, इधर दिख रहा हूँ अंदर को सब कुछ। पीपीटी मिला, जाइन करो, जाओ ना, मुझे नहीं आ रही है। हाय फ्रेंड्स, आई एम अंकिता सिंधु फ्रॉम तक्षशिला क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे जॉलजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीडीएस सीएपीएफ एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, एनिलिड्स, कॉर्डेट्स, आर्थ्रोपोड्स एंड प्रोटोजोआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्रोटोजोआ है या फिर अर्थ्रोपोड है? तो आंसर रहेगा हमारा अर्थ्रोपोडा। क्यों क्यों ये सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे जॉइंटेड लेग्स जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, रेबीज एंड स्कैबीज। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी डिजीज इनसे अलग है, वो कौन सी होगी, वो होगी स्कैबीज। क्यों, क्योंकि ये जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होती है, और बाकी जो तीन है, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा और रेबीज, जो कौन सी है वो बैक्टीरिया से होती है, और स्कैबीज किससे हो रही है, वायरस से। इसमें क्या होती है, इची स्किन होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव आर कॉज्ड बाय वायरस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बीइंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारे प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, माउथ में या स्टमक में, वो होगा स्टमक। क्यों, क्योंकि जो हमारे माउथ में है वहां पे क्या होती है, स्टार्च की डाइजेशन होती है माउथ में, और प्रोटीन की कहां होगी, स्टमक में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct? The enzyme present in the saliva of the human being break. तो options क्या हमारे, starch into maltose, protein into peptide, peptide into amino acid and fats into fatty acid. तो वो कौन सा रहेगा, starch into maltose। हमारा क्या होता है, mouth में किसकी breakness होती है, कौन टूटता है enzyme की वजह से, वो रहेगा starch into maltose। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर का है, तो किससे ये कंट्रोल होती है ब्लड शुगर, एडर्नल है, पेनक्रियाज है, ठीक है, पैराथायराइड है या फिर स्प्लीन है। एडर्नल जो है वो ग्लैंड है हमारा, पेनक्रियाज जो है वो ब्लड शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है, ये इसकी जो सिक्रीशन है वो उसको कंट्रोल करती है। पैराथायराइड जो है वो भी एक ग्लैंड होता है, जो स्प्लीन है वो हमारे इमरजेंसी आरबीसीज को जो है वो सिक्रीट करता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसीज भी उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी, पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज क्या है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द एनोरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन आर मसल व्हाइल डूइंग रिग्योरियस एक्सरसाइज। रिग्योरियस का क्या मतलब है, कि जब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर क्या जो है, क्या बन रहा है हमारी बॉडी में, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मसल्स। तो ऑप्शंस क्या है, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, लैक्टिक एसिड। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, वो हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा, तो हमारा लैक्टिक एसिड जो रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि जब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता चला जाता है, हमारे सेल्स जो है वो उसको यूज कर लेंगे,
यूज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हमारी जो कलेक्शन क्या होती है, एक्यूमुलेशन, वो हैगी लैक्टिक एसिड की. फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इन रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्पीशीज. ये क्वेश्चन जो है वो हमने पहले भी किया है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा अर्थ्रोपोडा. क्यों, क्यों ये जॉइंटेड लाइक एनिमल्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब किस में आते हैं, अर्थ्रोपोडा में आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा. तो इसका आंसर क्या रहेगा, पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन या इरिप्सिन. जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा टाइलिन. क्या आंसर रहेगा हमारा, टाइलिन. ठीक है, टाइलिन क्या होता है, वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और वहीं से हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है हमारी डाइजेशन, वहीं से स्टार्ट हो जाती है. पेप्सिन रहेगा वो स्टमक में रहेगा, रेनिन भी और इरिप्सिन भी. सो नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले का क्या साथ दे रखे, उसके किडनी. फिर है फेलोपियन ट्यूब. फिर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इपिडीडाइमस. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फिर है कॉपर ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइन में दे रखा है. तो हमने क्या बताया ना, नॉट करेक्टली मैच, तो हमें ये हमेशा जो है वो पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने पूछा क्या है, नॉट पूछा है. नॉट मतलब नहीं. तो लूप ऑफ हेनले किडनी में प्रेजेंट होता है, यस प्रेजेंट होता है. फिर हमारे पास फेलोपियन ट्यूब, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है. फिर क्या है हमारे पास, इपिडीडाइमस है, वो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है. फिर हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, कॉपर ग्लैंड. ये हमारा जो है वो गलत है. वो क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि ये इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन कहाँ बनता है, अभी हमने किया था कि वो कहाँ बनता है, वो पैनक्रियाज में बनता है. कहाँ बनता है, वो पैनक्रियाज में बनता है. ठीक है, और फिर लीवर में क्या बनता है, लीवर में बनेगा बाइल जूस. ठीक है, ठीक है, और फिर क्या है, स्प्लीन है. स्प्लीन मैंने अभी पहले भी बताया था, ये आरबीसीज का ग्रेवयार्ड है और इमरजेंसी आरबीसीज यहीं से सिक्रीट होते हैं. फिर पेनक्रियाज है, इसका ऑप्शन क्या है, पेनक्रियाज है. क्यों, क्योंकि वो जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. वो पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट करता है उसमें जो होगी इंसुलिन होगी, और आइलेट ऑफ लैंगहंस भी यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं. तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, पेनक्रियाज. सो नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी. हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और फिर तीसरी जनरेशन, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो वो होती है हेरिडिटरी डिजीज. और इनका फैक्टर क्या होता है, जीन. मतलब अगर किसी के जीन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पास होती रहेगी. फिर ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, कैटरेक्ट, हीमोफीलिया, पेलिग्रा और ओस्टियोपोरोसिस. तो देखो पहले कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट जो होता है वो सर्जरी होती है, जो कि किसकी सर्जरी है, वो आई की सर्जरी है. ठीक है, फिर है हीमोफीलिया. द करेक्ट आंसर इज हीमोफीलिया. क्या है हमारा, हीमोफीलिया इसका आंसर है. क्यों, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है. ये जो है हमारी सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज होती है. ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, क्वीन एलिजाबेथ से ये जो है वो स्टार्ट हुई थी. फिर ऑप्शन सी हमारा है पेलिग्रा. पेलिग्रा होती है विटामिन B3 की जो डिजीज होती है वो पेलिग्रा होती है. फिर है ओस्टियोपोरोसिस. ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस होती है जो वो बोन्स की जो है वो डिजीज होती है, जब विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो ओस्टियोपोरोसिस होती है. तो हेरिडिटरी डिजीज इन्होंने पूछा है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा बी ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्रिटिनिज्म इन अ ह्यूमन इज अ ह्यूमन डिसऑर्डर विच इज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ. ठीक है, हमें क्या बताना है, क्रिटिनिज्म बताना है. क्या बताना है, क्रिटिनिज्म. ठीक है, ये क्या डिजीज होती है और ये किस ग्लैंड की वजह से या किस हार्मोन की वजह से होती है, हमें ये बताना है. तो ऑप्शंस क्या है हमारे, एडरेनालिन हार्मोन, कॉर्टिसोन हार्मोन, ग्लूकाजोन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन. तो आंसर क्या रहेगा इसका, थायरोक्सिन हार्मोन. ठीक है, ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है. किसकी वजह से होती है, आयोडीन जब डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में
तो कौन सी डिजीज होती है? क्रिटिनिज्म. और इसमें क्या होगा? रिटार्डेशन ऑफ मेंटल ग्रोथ एंड रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज अ सर्च ऑफ विच हॉर्मोन स्टिम्युलेट द ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स. किसमें? ह्यूमन फीमेल्स में इन्होंने पूछा है. तो ऑप्शंस क्या है हमारे? ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन और प्रोजेस्टेरोन. जो ये दोनों हैं हमारे ऑप्शन बी और सी, ये दोनों जो हैं वो हॉर्मोन प्रेजेंट होते हैं किसमें? बोथ फीमेल में भी और मेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ फीमेल का पूछा है. तो हमारे पास ऑप्शन कौन से बच गए? ए और सी, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. तो इसका आंसर रहेगा एल एच, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन. तो ठीक है, तो आंसर क्या है ओव्यूलेशन का? ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन. फिर नेक्स्ट है हमारा, लॉबस्टर्स बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस. ठीक है, लॉबस्टर एक इंसेक्ट नहीं होता, एक क्रस्टेशियन होता है जो कि जो है सी लाइफ से ही ओरिजिनेट होता है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा है? इंसेक्ट है, अरेकनिड्स है, क्रस्टेशियंस है और माइरोपोड्स होता है. तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? क्रस्टेशियंस. क्या रहेगा हमारा आंसर? क्रस्टेशियंस. ठीक है, लॉबस्टर्स बिलोंग टू क्रस्टेशियन फैमिली ऑफ अर्थ्रोपोडा. क्या है? अर्थ्रोपोडा की ही फैमिली है, मींस वो इंसेक्ट की ही फैमिली है, लेकिन इन्होंने इंसेक्ट दे रखे, अर्थ्रोपोडा नहीं दे रखा. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? क्रस्टेशियंस. फिर नेक्स्ट इज कंटेमिनेटेड वाटर. मतलब कंटेमिनेटेड वाटर का क्या मतलब है? गंदा पानी. ठीक है, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स मिले हो. ठीक है, वो होते कंटेमिनेटेड वाटर. कैन कॉज द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो ऑप्शन क्या है हमारे? हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, मियोसिस एंड कॉलरा. ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस है? हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, मियोसिस एंड कॉलरा. तो इसका आंसर क्या रहेगा? मियोसिस. क्या रहेगा? मियोसिस. इन्होंने कंटेमिनेटेड वाटर की पूछी है, एक्सेप्ट बोल रहे हैं इन्होंने, तो आप ये ध्यान रखना ये क्या बोल रहे हैं वर्ड, एक्सेप्ट बोल रहे हैं. तो इसका आंसर क्या रहेगा? मियोसिस. सो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. किससे हो रही है वो डिजीज? क्या बोल रहे हैं वो? बैक्टीरिया बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरिया. तो ये ध्यान रखना, वो बैक्टीरिया बोल रहे हैं. एंड स्प्रेड थ्रू फीकल मैटर. कौन सा मैटर ये पूछ रहे हैं? फीकल, जो हमारी बॉडी का वेस्ट मैटर होता है, ये डिजीज उससे फैलती है. तो ऑप्शंस देखो कौन कौन से हैं. ऑप्शंस हैं टाइफॉइड है, प्रिटिसिस है, ठीक है, डिप्थेरिया है, चिकन पॉक्स है. तो आंसर क्या रहेगा हमारा? टाइफॉइड. क्या रहेगा हमारा? टाइफॉइड. ठीक है, क्या रहेगा? टाइफॉइड. ये कहाँ से होता है? ये कहाँ से हो सकता है? ठीक है, ये फीकल मैटर बाय द हाउस फ्लाइज से भी हो सकते हैं. मतलब अगर किसी पर्सन को जो है क्या है डिजीज है टाइफॉइड की, और फीकल मैटर मतलब जो उसकी बॉडी का वेस्ट है उस पर हाउस फ्लाइज बैठती हैं और वो फिर उस मतलब फूड को कंटेमिनेट कर देती हैं, तो उसको भी क्या हो सकता है? टाइफॉइड हो सकता है. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल्स आर सेलेमेंडर्स क्लोजली रिलेटेड. ठीक है, सेलेमेंडर ये किस टाइप की होती है? ये लिजर्ड टाइप की होती है. ठीक है, ये किससे क्लोजली रिलेटेड है? फ्रॉग्स एंड टोड से. किससे? फ्रॉग्स एंड टोड से. क्यों? क्योंकि जो सेलेमेंडर जो है वो भी क्या है? एम्फीबियन है. क्या है? एम्फीबियन है. तो ये किससे क्लोजली रिलेटेड है हमारी? वो रिलेटेड है फ्रॉग से और टोड्स से. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हूं. फिर नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस. वायरस से कौन सी डिजीज जो है वो हो रही है? तो ऑप्शंस आर बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, कॉलेरा एंड डेंगी. इट इज प्रोनाउंस्ड एज डेंगी. ठीक है, किस चीज से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं? कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इट इज डेंगी, नॉट डेंगू. सो ऑप्शंस आर बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, कॉलेरा एंड डेंगी. सो ऑप्शन से अगर हम देखें, बर्ड फ्लू है. ठीक है, बर्ड फ्लू तो इट मींस वो बर्ड से फैल रहा है. ठीक है, तो चिकन पॉक्स जो है वो किससे फैल रहा है? वो बैक्टीरिया से फैल रहा है. डेंगी मस्कीटो से फैल रहा है. तो ऑप्शंस क्या रहेगा? अगर ऑप्शन देखा जाए, क्या बच गया ऑप्शन हमारे पास? वो बच गया है हमारे पास कॉलरा. क्या बच गया है? कॉलरा. तो आंसर क्या रहेगा हमारा? कॉलरा रहेगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
In terms of evolution of organism, which one among the following is the most advanced? सबसे एडवांस कौन सा है? चारों के चारों आप देख सकते हो. पहला है बैट, फिर है पिजन, फिर शार्क है, फिर है वल्चर. वल्चर जो है वो अभी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है, ठीक है. तो ऑप्शन देखते हैं, बैट है, पिजन है, शार्क. शार्क क्या है? वो पाइसिस की क्लास है. ठीक है, पाइसिस क्लास में है. वो पाइसिस क्या होते हैं? फिशेस. ठीक है, और बाकी तीन है एव से. एव क्या होते हैं? हमारे बर्ड्स. क्या होते हैं? हमारे बर्ड्स. तो सबसे एडवांस कौन सा रहेगा इनमें से? रहेगा बैट. बैट, यस, बैट. शार्क नहीं है इसका आंसर. क्यों? क्योंकि शार्क, बैट जो है वो क्या है? वो मैमल है. व्हाट इज इट? इट इज मैमल. मींस जो है ये, इनके पास क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स, जो अपने बच्चे को फीड कर सकते हैं. तो इनके पास क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स. सो नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर. क्या बोल रही है? जेनेटिक नहीं है, मींस जीन का कोई रोल नहीं है इसमें, हेरिडिटरी नहीं है. इसका मतलब ये है. सो हीमोफीलिया हमने किया था, इसका मतलब क्या है? ये तो ऑप्शन से ही बाहर चला गया. ठीक है, फिर आता है हमारा डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21st क्रोमोसोम क्या होती है? उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है. तो 21 क्रोमोसोम पे ये डुप्लीकेशन हो रही है, तो तीन क्या हो जाएंगे हमारे? तीन क्रोमोसोम हो गए. ठीक है, तो वो जो है क्या हो जाएगा? जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया. क्यों? क्योंकि वो जीन पे हो रहा है, वो क्रोमोसोम पे हो रहा है, तो वो जेनेटिक. ये भी ऑप्शन से बाहर गया. फिर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो तो डिपेंड ही नहीं करता है. ठीक है, जेनेटिक पे. तो ये ऑप्शन भी बाहर गया, ये चला गया. ठीक है, ये भी जा चुका. तो बचा क्या हमारे पास? जीरो थैलेमिया. क्या है? जीरो थैलेमिया. तो इसका क्या मतलब है? जीरो थैलेमिया का इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन. अब आप मुझे खुद बताओ कि हमने एक विटामिन किया था जो हमारी आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था विटामिन ए, था ना? क्यों? क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती थी हमारे पास? कलर ब्लाइंडनेस. तो इसमें क्या होगा? एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए होगा, जिसकी वजह से हमारी आईज में क्या बढ़ जाएगी? ड्राईनेस. ड्राई हो जाएगी हमारी आईज. क्या हो जाएंगी हमारी आईज? जो है वो ड्राई हो जाएंगी. तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? जीरो थैलेमिया. सो नेक्स्ट क्या है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम. इनमें से एंजाइम कौन सा है? कौन सा एंजाइम? वो रहेगा ट्रिप्सिन. क्या रहेगा हमारे पास? ट्रिप्सिन. ठीक है, जो कैरेटिन होता है वो हमारे नेल्स में और हेयर्स में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है? नेल्स और हेयर में. और गैस्ट्रिन जो है वो हमारा जो है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और वैसोप्रेसिन जो है वो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है. क्या है? जो हमारी बॉडी में किसको? वाटर लेवल को. किसको? वाटर लेवल को. जो है वो क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है. तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर रहेगा. फिर नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स हार्मोन एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम. तो आंसर क्या रहेगा? पेनक्रियाज, ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि ये क्या क्या सिक्रीट करता है? वो सिक्रीट कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस. क्या सिक्रीट कर रहा है? पेनक्रियाटिक जूस. और क्या सिक्रीट कर रहा है हमारे पास? शुगर लेवल के एंजाइम्स. शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके लिए सिक्रीट कर रहा है. और क्या सिक्रीट करता है ये? आइलेट्स ऑफ लैंगर हंस. ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट इज, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें क्वेश्चन में ये कंप्लीट नहीं है. तो इस क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि इनमें से कौन सा एज अ इमरजेंसी फॉर ब्लड जो है वो उसकी तरह काम करता है. तो ऑब्वियसली क्या रहेगा आंसर हमारा? रहेगा स्प्लीन. क्यों? क्योंकि वो आरबीसीज को जो है वो स्टोर करके रखता है, और जब आरबीसीज कोई जो है वो क्या हो जाता है? वो जो डेड हो जाता है तो वो स्प्लीन में जाके गिर जाता है. तो इसको क्या बोलते हैं? इसका सेकेंड नेम क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs. ठीक है, ग्रेवयार्ड क्या होता है? जहाँ पे मरे लोगों को दफनाया जाता है. तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हमारे पास? ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs.
सो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं स्किन रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन स्किन से ठीक है क्यूटिनियस रेस्पिरेशन जो है वो कौन से एनिमल से हो रही है वो आंसर रहेगा हमारा फ्रॉग ठीक है फ्रॉग से जो है वो अपनी स्किन से क्या करता है वो रेस्पायर करता है वो सांस लेता है क्या लेता है स्किन से वो सांस लेता है ठीक है इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज तो ये तो बहुत ईजी है तो हम सबको पता है क्या आंसर रहेगा इसका हमारा आंसर रहेगा लीवर क्योंकि जो है वो लीवर जो है वो क्या है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है ठीक है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है वो है लीवर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एनलार्ज्ड ठीक है एनलार्ज्ड मतलब वो क्या हो रहा है वो बड़ा हो रहा है ठीक है ड्यू टू गोइटर गोइटर किससे होता है आयोडीन डेफिशिएंसी से किससे हो रहा है वो आयोडीन डेफिशिएंसी से तो आंसर क्या रहेगा थायराइड क्यों क्योंकि अभी ही हमने ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस पहले हमने ये देखा था ठीक है इसकी डेफिशिएंसी हमने देखी थी ठीक है उसकी वजह से गोइटर होता है और उसमें क्या होता है जो ये नेक एरिया है ठीक है वो स्वेल हो जाता है सो नेक्स्ट इज फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है इवोल्यूशनरी इसका क्या मतलब है इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है वो मतलब होता है कि जब ये मतलब जो प्रिमिटिव थे अब वो एडवांस होते जा रहे हैं तो वो इवोल्यूशनरी मतलब है इसका ठीक है इसका मीन है लाइक सबसे पहले क्या आए थे प्रिमिटिव आए थे मतलब सिंगल सेल थे अब धीरे 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 लुक एट अस वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ठीक है वी आर कॉम्प्लेक्स हम जटिल है पढ़ने में ठीक है तो इवोल्यूशनरी का वही मतलब होता है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज ठीक है वो कवर कर रहे हैं और वो क्या होते जा रहे हैं वो एडवांस होते जा रहे हैं क्या होते जा रहे हैं वो एडवांस तो इसका क्या मतलब है तो इवोल्यूशनरी ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव सबसे प्रिमिटिव कौन सा रहेगा हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए क्या रहेगा ऑप्शन ए डॉल्फिन ठीक है तो नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ब्लाइंड ठीक है क्या है ब्लाइंड कौन सा है इनमें से तो बैट आंसर क्या रहेगा हमारा बैट अब आपकी क्वेश्चन मतलब अपने माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि बैट जो है वो अगर ब्लाइंड है बैट इज ब्लाइंड सो वो हाउ डू दे फ्लाई ठीक है वो फ्लाई कैसे करते हैं ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में तो वो फ्लाई कैसे करते हैं वो फ्लाई करते हैं रेडिएशन की हेल्प से ठीक है जो ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकलती है तो वो उनको डिटेक्ट करके वो क्या करते हैं वो फ्लाई करते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉगर्स एक्सपीरियंस पेन इन देयर लेग ठीक है अभी किया था हमने तो आंसर क्या रहेगा इसका क्या रहेगा लैक्टिक एसिड क्या रहेगा हमारा लैक्टिक एसिड रहेगा फिर नेक्स्ट क्या है स्टेम सेल थेरेपी जिसको हम क्या बोलते हैं SCT बोलते हैं इज नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है वो रहेगा हमारा ऑप्शन रहेगा हमारा कैंसर क्या ऑप्शन रहेगा हमारा कैंसर ये कैंसर में वो हेल्प नहीं करता फिर नेक्स्ट क्या है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक प्लेस ठीक है वो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा ऑप्शन रहेगा सी ब्लड प्लाज्मा सेल्स ठीक है एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या होता है वो डिस्ट्रॉय करती हैं डिस्ट्रॉय किसको करती हैं वो डिस्ट्रॉय करती हैं वायरस ठीक है कुछ भी लगा लो यार एसेट्रा लगा लो ये जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है क्या है हमारा फॉरेन पार्टिकल है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी वो ऑटो इम्यूनिटी में आता है किसमें आता है हमारा ऑटो इम्यूनिटी में आता है ठीक है फिर नेक्स्ट है ऑल एंजाइम्स आर ऑप्शन क्या रहेगा प्रोटीन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स डू रिमेम्बर दिस वर्ड ठीक है फिर नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस ठीक है वायरस से जो है वो कौन सी डिजीज नहीं होती वो रहेगी हमारी टेटनस किससे रहेगी टेटनस ठीक है फिर नेक्स्ट क्या है A typical human rib cage consists of how many ribs? कितनी ribs होती हैं? तो वो रहेगी हमारी 12 pair. कितनी? 12 pair of ribs. ठीक है, जो कि किससे connected होती हैं? Sternum से.
ठीक है, और ये जेल्स जो है वो किसको प्रोटेक्शन देती है, हमारे हर्ट को प्रोटेक्शन देती है। तो बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय बेरी बेरी जो है वो विटामिन की डिजीज है, तो वो किससे कॉज होगी, विटामिन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, अगर पेरेंट का क्या है, ओ है या ए बी है, ठीक है, ओ या ए बी है, तो बच्चे का क्या रहेगा, वो रहेगा ए या बी। जब आप इसका क्रॉस करोगे देन यू विल गेट टू नो, ठीक है, आप क्रॉस करके देखना तब आपको पता चलेगा कि ए और बी है, तो ओ उसमें ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। कौन कौन सा है, ए बी, तो ये ऐसे हमारा क्रॉस बनेगा, ठीक है, तो एक ये आएगा और ऑप्शन दूसरा ये आएगा। आई तो रिसेसिव है, तो डोमिनेंट कौन है, आई ए और आई बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, ठीक है, मिल्क में क्या नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, और जो कि सिट्रस फ्रूट में बहुत ज्यादा होता है। सो मिल्क इज नॉट सिट्रस, वो खट्टा नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, मैमल क्या होते हैं, मैमल की पहचान क्या होती है, मैमल जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपने इन्फेंट को जो क्या कर सकते हैं, वो फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, डॉल्फिन, शार्क, सील एंड वेल, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन रहेगा शार्क, बाकी मैमल्स है, शार्क क्या है, फिश है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन, द वाउंड ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली बिकॉज वो बहुत जल्दी से वहां पे खून क्यों आता है, क्यों, तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए, बिकॉज ऑफ इट्स रिच वास्कुलैरिटी, यहाँ पे हमारी जो है आर्टरी जो है वो मतलब लार्ज अमाउंट में, या उसको बोलते हैं ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या रहेगा ऑप्शन हमारा, रिच वास्कुलैरिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, तो ऑप्शन क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, टेटनस और कॉलरा, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, रहेगा कॉलरा। कॉलरा में क्या होता है, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब हमारी बॉडी में लिक्विड का जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो किस में होगा, वो होता है कॉलरा में, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, तो हमें लिस्ट ए और लिस्ट बी, मतलब वन और बी को हमने मैच करना है। सो देखो, सॉरी मैं आप लोगों के रिप्लाईज नहीं देख पा रही हूँ, तो प्लीज उसको नेगेटिव वे में मत लेके जाना, तो हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमें एड्स, प्लेग और टाइफॉइड दे रखा है, ठीक है, और ऑप्शन हमें लिस्ट में डायग्नोसिस जो है वो चार दे रखे हैं, तो ठीक है, तो ऑप्शन मैच करके देखो, तो देखो पहले का ऑप्शन क्या बनेगा एड्स का, तो वो रहेगा थ्री। तो अब पहले हम देखते हैं, अब ऑप्शन ए में ये वाला बी और डी है, तो आप अब इसमें से देखो, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, बी, ठीक है। प्लेग का क्या रहेगा, वेस्टर्न सेटाइन टेस्ट, एड्स का रहेगा एलिसा, और टाइफाइड का रहेगा वाइडल टेस्ट, या आप उसको विडाल टेस्ट भी बोलते हो, ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रोकोडाइल स्टोर फैट्स इन, ठीक है, क्रोकोडाइल जो है वो अपना फैट कहाँ स्टोर करते हैं, तो वो रहेगा ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी, टेल में, कहाँ पे, टेल में, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फटीग, फटीग है, फटीग का मतलब क्या होता है, जब हम थक जाते हैं, टायर्डनेस, वो होती है फटीग। तो ये क्वेश्चन हम बार बार रिपीट में आप इसको देख रहे हैं कि आंसर क्या आएगा इसका, लैक्टिक एसिड क्यों आएगा, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, और O2 का लेवल कम हो जाता है, तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है हमारी बोन्स में
बॉन्ड्स नहीं, वी कैन से जॉइंट्स में, कहां पे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. तो आंसर हमारा रहेगा डी ऑप्शन. ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, ऑप्शन वही आ रहे हैं, आंसर वही है, स्टेटमेंट चेंज हो रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, जॉन्डिस इन ह्यूमन बीइंग इज रिजल्ट ऑफ. तो ऑप्शन देखो, इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीवर्डिन बिलीवर्डिन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉरी वो बी वाला एक ऑप्शन था, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीवर्डिन. सो सी है हमारा इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म बिलीरुबिन. सो डी ऑप्शन है हमारा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन. तो आंसर रहेगा हमारा आंसर सी, इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन. क्यों, क्या होएगा उस टाइम पे, जॉन्डिस की बात कर रहे हैं जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं. वो क्यों होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, येलोनेस आ जाती है हमारी बॉडी में. वो क्यों आती है, जो बाइल जूस है हमारा वो सिक्रीट होके वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है हमारी किस पे, हमारे कहाँ पे, आईज पे, कहाँ पे, आईज पे और हमारी स्किन पे एक्यूमुलेट होना वो शुरू हो जाता है. इसलिए हमारी बॉडी क्या पड़ जाती है, येलो. तभी उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, पीलिया बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं जॉन्डिस. तो आंसर क्या रहेगा हमारा, इनकम्प्लीट, मतलब वो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, मतलब कंप्लीट डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा वो, तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ये भी रिपीट में कम, ये आई थिंक थर्ड टाइम आ रहा है, और लैक्टिक एसिड वाला तो आई थिंक पांच बार हम उसको कर चुके हैं. तो अभी हमने किया था, उसका ऑप्शन होता है पेनक्रियास, पेनक्रियास में हमने पढ़ा था लैंगरहंस. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आइलेट ऑफ लैंगरहंस. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉपकिन इंस्टीट्यूट मुंबई इज नोन फॉर इट्स वर्क ऑन द प्रोडक्शन ऑफ. ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है इसने किसके ऊपर स्टडी की थी. ठीक है, वो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन डी, पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द फाइन मूवमेंट्स मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रिया. ठीक है, इक्विलिब्रिया मतलब जो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में ही हेल्प करता है, किसमें, बैलेंसिंग में ऑफ द बॉडी एंड मसल टोन इन ह्यूमन बींग. तो आंसर क्या रहेगा हमारा, सेरिबैलम, जो कि किसका पार्ट होता है, हमने किया था हाइंड ब्रेन का. हमने, आप अगर आपने हमारी YouTube वीडियोस नहीं देखे है तो ये वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. तो सेरिबेलम जो है वो हमारे किसका पार्ट है, वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है. और जो हमने सेरिब्रम किया था वो किसका किया था हमने, फोर ब्रेन का, किसका, फोर ब्रेन का. तो आंसर रहेगा हमारे पास सेरिबेलम. तो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, लश्मीनिया द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कालाजर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक फीवर. क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर. मल्टीप्लाई एसेक्सुअली बाय बडिंग बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन या स्पोरोगोनी. तो आंसर हमारा रहेगा बाइनरी फिजन. क्या रहेगा हमारा ऑप्शन बी, बाइनरी फिजन. सो आज का हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आ रहा है. अगर आपको कोई भी इशू है तो कमेंट में लिख के हमें बताइए, हम जरूर उसके ऊपर वर्क करेंगे. और आपके लिए नई नई वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, उसको सीडीएस से पहले आप जरूर देखें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. प्लीज डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू कीप अस मोटिवेटेड. थैंक यू सो मच.